कालका राधेश्याम गौशाला की बैकसाइड पर चल रहे सैनिटेशन पार्क के काम को उस समय रोक दिया गया जब आसपास से लोग इकट्ठा हो गए और वहां पर बनने वाले सैनिटेशन पार्क का विरोध करने लगे। लोगों ने मांग की कि उक्त जगह पर सैनिटेशन पार्क के निर्माण की बजाय किसी दूसरी जगह पर बनाया जाए। मौके पर मौजूद रवि मित्तल, धर्मपाल सैनी, नयाब चौधरी, रोहताश शर्मा, रमेश अरोड़ा, जगदीश हेमराज चौधरी, बिट्टू सहित अन्य लोगों ने बताया कि जहां पर यह सैनिटेशन पार्क बनाया जा रहा है उसके आसपास आबादी वाला क्षेत्र है। कहा कि इस जगह के साथ ही बिटना सीउड़ी, गिदरावाली, खुराना कॉलोनी, गुप्ता कॉलोनी, कृष्णा एंक्लेव एवं सेंट थॉमस कॉलोनी लगती है। बताया गया कि सैनिटेशन पार्क बनने के बाद यहां शहर का कचरा आएगा जिसकी यह लोग छटाई करेंगे। कहा कि प्रशासनिक नुमाइंदे यहां पर साथ ही योगशाला भी बनाने की बात कह रहे हैं। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि जहां पर कचरा गिराया जाएगा वहां योगशाला कैसे बन पाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब उन्हें गुमराह करने के लिए बताया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से यह भी मांग की कि उन्हें पूरा प्लान दिखाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर यह कूड़ा करकट गिरेगा तो हमारे यहाँ एक ये सैनिटेशन पार्क जो ट्रीटमेंट प्लांट जिसमें सॉलिड वेस्ट जो है अलग अलग करके उसको प्रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन श्री कृष्णा एवेन्यू सर क्या यहाँ पर आज पता चला कि इधर कोई डंपिंग ग्राउंड का लिए कार्रवाई हो रही है और हम क्योंकि चारों तरफ कागज से भी नजदीक में दिक्कत है इसलिए हम भी चाहते हैं कि डंपिंग ग्राउंड बना के यहाँ बीमार किया जाए। पुराना कॉलोनी वाइस प्रधान सर क्या कहना आप लोग इकट्ठा हुए हैं ये जो यहाँ कचरा डालने के लिए सिस्टम बना रखा है हम इसके खिलाफ है। हाँ हम ये नहीं डालने देंगे यहाँ कचरा डालने नहीं देंगे ना यहाँ कोई सिस्टम बनने देंगे। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े उसके लिए हम दोनों कोर्ट में भी जाएंगे और हमारी गवर्नमेंट से प्रार्थना भी है कि हमारे साथ ये अन्याय ना किया जाए। अगर ऐसा होगा तो हम इसके लिए मुकाबले के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। इससे फालतू में बोल ही नहीं समझ कि क्योंकि ये सरकार का कार्यक्रम है किसी अकेले का कार्यक्रम नहीं है। भाई हायर अथॉरिटी से बात करेंगे, हायर अथॉरिटी जो फैसला लेगी उसके हिसाब से है। ये पार्क बन रहे हमारे जो पार्क बनने जा रहे हैं आप ये विजिट करें, हम इनका 5-6 आदमी जो भी जाए तो वो चीज़ उनको वो देख लें। अगर लगता है वो सही है तो बनने दें, नहीं लगता सही है तो फिर प्रोटेस्ट करें अपना, फिर अपना इनके बाद जैसे सरकार तक हम पहुँचाएंगे।